दोस्तों, मैं धीरज कुमार सैनी, डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा की बात करेंगे। ठीक है भाई, ये जो लेक्चर है ये पेपर फर्स्ट के चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड है, जिसमें हम आज जो बात करेंगे वो लीनियर सम जो वेक्टर स्पेस का होता है उससे रिलेटेड आपके एक रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो वेक्टर सब स्पेस के लीनियर सम से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो लेक्चर है ये लेक्चर वेक्टर स्पेस का 16वां लेक्चर है। इससे पहले जितने 15 लेक्चर्स थे उनमें आपने अलग अलग जो भी थी प्रॉपर्टीज या कंसेप्ट से उनका अध्ययन किया और साथ ही उनसे रिलेटेड आपने कुछ रिजल्ट का अध्ययन किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लीनियर सम जो जिसकी डेफिनेशन हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं उससे रिलेटेड एक थ्योरम्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम्स के स्टेटमेंट है वो आपको लिख रखा है सामने बोर्ड पर। तो स्टेटमेंट क्या दिया गया है, स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि एक वेक्टर स्पेस दिया गया है वी ओवर एफ। ठीक है, एक वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ दिया गया है जिसके दो सब स्पेस दिए गए हैं। वेक्टर सब स्पेस कौन कौन से, एस और टी। ठीक है भाई, एस और टी दो सब स्पेस है। कहने का मीनिंग यह है कि एस और टी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और सॉरी नॉन एम्प्टी सबसेट है किसके, वी के। साथ के साथ एस और टी फील्ड एफ पर क्या बना रहे हैं, सदिश समष्टि बना रहे हैं। फिर उसके बाद आपको क्या सिद्ध करना है, आपको इनका लीनियर सम डिफाइन करना है और आपको शो करना है कि जो वेक्टर ये दो वेक्टर सब स्पेस है एस और टी, इनका जो लीनियर सम है वो लीनियर सम भी क्या होगा, इस वेक्टर स्पेस V ओवर F का वेक्टर सब स्पेस होगा। कहने का मतलब है S और T तो वेक्टर सब स्पेस हैं साथ V ओवर F के। यहाँ पर आपको ये भी शो करना है कि S प्लस T क्या है, मतलब लीनियर सम S और T का जो रैखिक योग है वो भी क्या है, V ओवर F का वेक्टर सब स्पेस है। साथ के साथ आपको क्या शो करना है कि आप जो इनका यूनियन करोगे, जब दो सब स्पेस का जब आप यूनियन करोगे तो इनके यूनियन से जो नया सब स्पेस बनेगा, मतलब जो नया सेट बनेगा उस सेट के सभी एक घाती संचों का जो योग, एक घाती संचों का जो समुच्चय है वो किसके बराबर होगा, वो इनके लीनियर सम के बराबर होगा। सेकेंड आपको क्या सिद्ध करना है, दोबारा से सुन लीजिए कि आपको दोनों वेक्टर सब स्पेस का यूनियन करना है। यूनियन करने के पश्चात जो सेट बनेगा उस सेट में जो भी वेक्टर्स होंगे उन वेक्टर्स के सभी एक घाती संचों के समुच्चय को किसके बराबर शो करना है, इनके लीनियर सम के बराबर शो करना है। ठीक है, तो देखिए बारी बारी से इनका हम बारी बारी से इनको हम शो करेंगे या फिर सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप वो क्या क्या दिया गया इन्फॉर्मेशन थ्योरम से में वो लिखिए, फिर उसके बाद आपको क्या सिद्ध करना है तो उसके लिए वो भी हम आपको बताते हैं कि क्या क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए आपको वेक्टर सब स्पेस दिया गया है। ठीक है, आपको वेक्टर स्पेस दिया गया है V ओवर F, आपको V ओवर F क्या दिया गया है, V ओवर F दिया गया है वेक्टर स्पेस। ठीक है, और S और T क्या है, S और T V ओवर F के क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है भाई, S और T क्या है, V ओवर F के वेक्टर सब स्पेस है। अगर वेक्टर सब स्पेस है तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि S क्या है, S V का नॉन एम्प्टी सबसेट है, और T V क्या है, V का नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, S V का नॉन एम्प्टी सबसेट है, साथ के साथ S क्या है, फील्ड F पर वेक्टर स्पेस है। S क्या है, फील्ड F पर वेक्टर स्पेस है। इसी प्रकार T क्या है, फील्ड F पर वेक्टर स्पेस है। T क्या है, फील्ड F पर वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो ये आपको जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपने इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि वेक्टर स्पेस है तो क्या क्या कंडीशन का पालन करेंगे। ठीक है, अब देखो इनका लीनियर सम डिफाइन करो, आप लीनियर सम कैसे डिफाइन करोगे, इनके लीनियर सम को व्यक्त करोगे एस प्लस टी से। ठीक है, इसको डिनोट तो करते हैं एस प्लस टी से। डिफाइन कैसे करते हैं कि इनके लीनियर सम में वही वेक्टर्स होंगे जिनका प्रथम अवयव, जिनका प्रथम जो अवयव है वो तो जो आपका
पहला सब स्पेस है उससे वह बिलोंग करेगा, और जो द्वितीय अवयव है वो क्या होगा, द्वितीय सब स्पेस में बिलोंग करेगा। कहने का मतलब है इसमें जो वेक्टर्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, x प्लस वाई टाइप के होंगे, जहाँ पे x किसका एलिमेंट होगा s का और y किसका एलिमेंट होगा, y एलिमेंट होगा t का। और ये ना मानना चाहो तो आप ऐसे कर लो कि आप ये मान लीजिए कि इसमें जो एलिमेंट है वो किस टाइप के हैं, इसमें एलिमेंट स्मॉल s प्लस स्मॉल t टाइप के है, जहाँ पे स्मॉल s तो किसका एलिमेंट है, कैपिटल s का, और स्मॉल t किसका एलिमेंट है, कैपिटल t का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये आपने इनका लीनियर सम डिफाइन कर दिया। अब आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि जो इनका लीनियर सम है ये क्या है, ये v ओवर f का लीनियर सम है, s प्लस t ये क्या है, v ओवर f का वेक्टर सबस्पेस है। क्या है ये, v ओवर f का वेक्टर सबस्पेस है। इसको वेक्टर सबस्पेस शो करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये जो सेट है नॉन एम्प्टी है या नहीं है, और किसका सबसेट होना चाहिए, v का सबसेट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि s प्लस टी है, s प्लस टी v ओवर f का क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए s प्लस टी v ओवर f का नॉन एम्प्टी सबसेट है या नहीं है, तो देखो s कैसा सेट है, s नॉन एम्प्टी सबसेट है v का, t क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है v का। कहने का मतलब है कि s प्लस टी क्या होगा, s प्लस टी v नॉन एम्प्टी सबसेट होगा v का। ठीक है, s प्लस टी क्या होगा, इनका लीनियर सम भी नॉन एम्प्टी सबसेट होगा v का। अब आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि s प्लस टी क्या है, वेक्टर स्पेस है कि नहीं। ठीक है, आपको क्या शो करना है कि s प्लस टी है वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है, मतलब शो तो आपको वेक्टर सब स्पेस करना है। ठीक है, शो आपको वेक्टर सब स्पेस करना है, लेकिन दिखाना क्या है आपको, वेक्टर सब स्पेस दिखाने के लिए आपको दिखाना होगा कि s प्लस टी क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो आप ऐसे करिए, इसको वेक्टर सब स्पेस आपको शो करना है तो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि वेक्टर स्पेस v ओवर f का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया आपने w। ठीक है, वेक्टर स्पेस v ओवर f का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट आपने w ले लिया, वो w जो नॉन एम्प्टी सबसेट है v का w, वो वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। तो कब कहलाएगा, वेक्टर सब स्पेस कहलाता है यदि उसके किन्हीं भी दो आर्बिटरी एलिमेंट्स और किन्हीं भी दो स्केलर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगेन किस में होना चाहिए, उसी सेट में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता, आपको देखो आपको v ओवर f क्या दिया गया, v ओवर f दिया गया है वेक्टर स्पेस। ठीक है, और w क्या है, w v का नॉन एम्प्टी सबसेट है, w क्या है, v का नॉन एम्प्टी सबसेट है। शो क्या करना है कि w ओवर f क्या है, w ओवर f v ओवर f का वेक्टर सब स्पेस है, ये शो करना है आपको। आपको क्या शो करना है कि w ओवर f v ओवर f का वेक्टर सब स्पेस है या नहीं। तो देखो आपको शो कैसे करोगे कि वेक्टर सब स्पेस होगा, आप ऐसे करिए दो आर्बिटरी एलिमेंट लीजिए w के, तो w के आपने दो आर्बिटरी एलिमेंट x और y ले लिए। ठीक है, दो आर्बिटरी स्केलर लीजिए अल्फा बीटा आपने फील्ड f से ले लिए, और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को किसमें शो कर दीजिए, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को अगेन शो कर दीजिए आप किसमें, सेट में, किस कौन से सेट में, सेट w में शो कर दीजिए। अगर किन्हीं भी दो आर्बिटरी एलिमेंट और किन्हीं भी दो आर्बिटरी स्केलर का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर अगेन उसी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये w ओवर f क्या है, w ओवर f v ओवर f का वेक्टर सबस्पेस है। क्या है ये, वेक्टर सबस्पेस है। ठीक है, तो यही काम अपन को यहाँ पे करना है कि आपको s प्लस t के कोई दो एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, दो एलिमेंट लेने हैं आपको s प्लस t के, और s प्लस t के दो एलिमेंट लेने हैं और दो ही स्केलर लेने हैं, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किस में शो करना है, अगेन s प्लस t में ही शो करना है। ठीक है, तो देखिए आपने दो आर्बिटरी वेक्टर ले लिए। ठीक है, x और y क्या ले लिया आपने, x और y आपने s प्लस t के कोई दो आर्बिटरी वेक्टर ले लिए। ठीक है, s प्लस t के आर्बिटरी वेक्टर है, तो आप क्या कह सकते हो कि x क्या है, x को आपने मान लिया कि x बराबर है s1 प्लस t1। ठीक है, x को क्या मान लिया आपने, s1 प्लस t1, और y को क्या मान लिया आपने, s2 प्लस t2। ठीक है, जहां पर ये s1 प्लस t1 किसका एलिमेंट है, s प्लस t का, और s2 प्लस t2 ये किसका एलिमेंट है, s प्लस t का। ठीक है, और साथ के साथ ये जो स्मॉल s1 और स्मॉल s2 है ये किसके एलिमेंट है, वेक्टर सबस्पेस s के, और स्मॉल t1
और स्मॉल टी टू एक इसके एलिमेंट है वेक्टर सब स्पेस टी के, ठीक है। ये तो वेक्टर सब स्पेस एस के हैं, ये वेक्टर सब स्पेस टी के हैं। अब आपको क्या लेना है, आपको दो स्केलर और लेने हैं। फील्ड से आप दो स्केलर ले लो, कौन कौन से ले लिया आपने, आपने मान लिया स्केलर एल्फा और बीटा, ठीक है। फील्ड एफ से आपने दो स्केलर ले लिए एल्फा और बीटा। तो देखो एल्फा बीटा आपने क्या मान लिए, एल्फा बीटा आपने मान लिए कि क्या है, कोई दो स्केलर है। अब शो क्या करना है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किस में होना चाहिए, शो करना है हमें कि एल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई किस में होना चाहिए, एक्स प्लस टी में होना चाहिए। यह आपको शो करना है भाई, क्या शो करना है आपको कि ये दो आर्बिटरी वेक्टर्स और इनका दो आर्बिटरी वेक्टर्स और दो स्केलर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किस में हो, एक्स प्लस टी में हो। अब देखो सबसे पहले एल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई फाइंड आउट करो, तो ये तो हो गया एल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई, ठीक है। एल्फा का आइडेंटिटी ये स्केलर है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू स्मॉल एस वन प्लस टी वन और वाई की वैल्यू स्मॉल एस टू प्लस टी टू, ठीक है। तो इनकी वैल्यू रिप्लेस कीजिए, तो ये हो गया स्मॉल एस वन प्लस स्मॉल टी वन प्लस बीटा डॉट स्मॉल एस टू प्लस स्मॉल टी टू, ठीक है। अब आपका यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे अदिश गुणन के लिए बंटनता, ठीक है। अदिश गुणन के लिए बंटनता लगाते हो तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अल्फा डॉट एस वन प्लस अल्फा डॉट टी वन प्लस बीटा डॉट एस टू प्लस बीटा डॉट टी टू, ठीक है। अब देखो ये किसका वेक्टर है, एस वन कैपिटल एस का, ठीक है, और अल्फा डॉट एस वन भी किसका हो जाएगा फिर अगेन एस का, ये भी किसका वेक्टर हो जाएगा, एस का वेक्टर हो जाएगा। तो एस के वेक्टर को आप एक साथ लिख लीजिए, ये तो हो गया अल्फा डॉट एस वन प्लस बीटा डॉट एस टू, ठीक है। फिर देखो ये प्लस का चिन्ह, ये टी वन किसका वेक्टर है, टी वन वेक्टर है कैपिटल टी का, स्मॉल टी टू किसका वेक्टर है, कैपिटल टी का, लेकिन जब स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो किसके वेक्टर हो जाएंगे, तब भी टी के वेक्टर रहेंगे और सम भी होने के बाद भी किसके वेक्टर रहेंगे, टी के वेक्टर ही रहेंगे, ठीक है। तो देखो दोबारा से सुन लीजिए, एस वन और एस टू किसके वेक्टर है, कैपिटल एस के, ठीक है। स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वेक्टर किसके आएंगे, कैपिटल एस के हैं, किसके अकॉर्डिंग, कि डॉट यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो जब भी आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी किसका एलिमेंट आएगा, अगेन उसी सेट का आएगा। तो अल्फा डॉट एस वन भी क्या होगा, कैपिटल एस का एलिमेंट, और बीटा डॉट एस टू भी क्या होगा, कैपिटल एस का एलिमेंट, ये एस का एलिमेंट है, ये भी एस का एलिमेंट है। तो एस के किन्हीं भी दो एलिमेंट का सम भी क्या होगा, एस का एलिमेंट, क्योंकि प्लस का है यहाँ पे, यहाँ पर प्लस है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये एलिमेंट किसका हो गया, एस का, इसी प्रकार ये एलिमेंट किसका हो गया, ये एलिमेंट भी हो गया टी का, ठीक है। तो ये एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट बिलोंग करेगा एस प्लस टी को। अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो तो देखो ये क्या एस प्लस टी को कैसे बिलोंग करेगा, ये भी देख लीजिए, आपने स्मॉल एस वन और स्मॉल एस टू किसके एलिमेंट लिए, कैपिटल एस के, ठीक है। दो स्केलर आपने ले लिए किसके, फील्ड एफ के, भाई कैपिटल एस वन सॉरी स्मॉल एस वन और स्मॉल एस टू किसके एलिमेंट है, वेक्टर सब स्पेस है इसके, और अल्फा बीटा क्या है, दो स्केलर है। तो आप क्या, और एस ओवर एफ क्या है, एस ओवर एफ है वेक्टर सब स्पेस, क्या है, एस ओवर एफ वेक्टर सब स्पेस है किसका, बी ओवर एफ का, ठीक है। वेक्टर सब स्पेस किसका है, बी ओवर एफ का। तो आप क्या कह सकते हो कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो किसका एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट होगा एस ओवर एफ का, किसका एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट होगा एस ओवर एफ का। इसी प्रकार स्मॉल टी वन और स्मॉल टी टू आपने किसके एलिमेंट ले लिए, कैपिटल टी के, ठीक है, और अल्फा बीटा क्या ले लिया आपने, दो स्केलर ले लिए, ठीक है। अल्फा बीटा आपने फील्ड एफ से दो स्केलर ले लिए, और आपको पता है टी ओवर एफ क्या है, टी ओवर एफ वेक्टर सब स्पेस है किसका, B over F का, T over F क्या है, वेक्टर सब स्पेस है B over F का। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि अल्फा डॉट T1 प्लस बीटा डॉट T2 किसका एलिमेंट होगा, T over F का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट किसका है, ये एलिमेंट है S का, और ये किसका है, T का। तो ये क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा S प्लस T का। मतलब आप क्या कह सकते हो कि S प्लस T क्या है, S प्लस T V ओवर F का
वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, क्या है एस प्लस टी? वेक्टर सब स्पेस है किसका? वी ओवर एफ का। एस प्लस टी वेक्टर सब स्पेस है वी ओवर एफ का। तो ये आपका एक रिजल्ट सिद्ध हो गया। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लीजिए। अब ये तो एक्सप्लेनेशन था, इसका प्रूफ लिख लीजिए। आप आपको लिखा देते हैं, तो लिखिए दिया गया है बी ओवर एफ एक सदिश फील्ड एफ प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है। दिया गया है बी ओवर एफ फील्ड एफ प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है। ठीक है, क्या है? फील्ड एफ प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है। दिया गया है V ओवर F फील्ड F प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है। ठीक है, तथा S ओवर F और T ओवर F, तथा S ओवर F और T ओवर S, या फिर आप ऐसे कह दो कि S और T क्या हैं, तथा S और T, S और T V ओवर F की कोई दो सदिश उपसमष्टियां हैं। कोई दो सदिश उपसमष्टियां हैं। ठीक है भाई, क्या है ये? कोई दो सदिश उपसमष्टियां हैं। दैट इज एस क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का, और साथ के साथ एस ओवर एफ क्या है? एस ओवर एफ सदिश समष्टि है। ठीक है, एस ओवर एफ क्या है? सदिश समष्टि है। तथा टी क्या है? टी वी का कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और टी ओवर एफ क्या है? सदिश समष्टि है। ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन यहां तक दे दी गई आपको। अब आपको क्या डिफाइन करना है? लीनियर सम। माना एस और टी का रेखिक योग को, माना एस और टी के रेखिक योग को एस प्लस टी से व्यक्त करते हैं, एस प्लस टी से व्यक्त करते हैं, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ठीक है भाई, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ठीक है, देखिए दैट इज एस प्लस टी बराबर स्मॉल एस प्लस स्मॉल टी सच डेट स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस स्मॉल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी। ठीक है, स्मॉल एस प्लस टी सच डेट स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस स्मॉल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि फर्स्ट एस प्लस टी वी ओवर एफ की सदिश उपसमष्टि है। और सेकेंड क्या शो करना है? कि एस प्लस टी बराबर लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी। ठीक है, सेकेंड क्या करना है, शो करना है कि एस प्लस टी क्या है?
लीनियर स्पान है एस यूनियन टी का, ये आपको सिद्ध करना है। आप देखिए सबसे पहले पहले रिजल्ट को सिद्ध कर लीजिए। तो फर्स्ट देखो, सिंस फाई डज नॉट इक्वल टू एस सबसेट ऑफ बी तथा फाई डज नॉट इक्वल टू कैपिटल टी सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज फाई डज नॉट इक्वल टू एस प्लस टी सबसेट ऑफ बी। ठीक है, फाई एस प्लस टी क्या है, एस प्लस टी बी का नॉन एम्प्टी सबसेट है। माना एक्स वाई एस प्लस टी के कोई दो स्विच अवयव, एस प्लस टी के कोई दो स्विच अवयव है, कोई दो स्विच अवयव है। ठीक है भाई, क्या है, कोई दो स्विच अवयव है। डेट इज ईच स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बिलोंग्स टू एस प्लस टी। ठीक है, सिंस स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एस प्लस टी, देयर एग्जिस्ट स्मॉल एस वन बिलोंग्स टू कैपिटल एस, स्मॉल टी वन बिलोंग्स टू कैपिटल टी, इस प्रकार होंगे कि x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा स्मॉल x1 प्लस स्मॉल t1। ठीक है, x बराबर क्या होगा, स्मॉल x1 प्लस स्मॉल t1। तथा सिंस y बिलोंग्स टू x प्लस t तथा y बिलोंग्स टू x प्लस t, देयर एग्जिस्ट स्मॉल s2 belongs to capital S, small t2 belongs to capital T, इस प्रकार है कि small y बराबर s2 plus t2, small y बराबर s2 plus t2। ठीक है, माना अल्फा बीटा एफ के कोई दो स्विच अवयव है। दैट इज ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, दैट इज ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ। तब हमें सिद्ध करना है कि ईच स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एस प्लस टी। ठीक है, ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, दिस इंप्लाइज अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई, इसको बिलोंग करेगा एस प्लस टी को, इसको बिलोंग करना चाहिए एस प्लस टी को बिलोंग करना चाहिए, मतलब इन दो वेक्टर्स का आर्बिटरी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगेन उसी सेट के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू हो जाएगी, सिंस अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू स्मॉल s1 प्लस स्मॉल t1 और y की वैल्यू स्मॉल s2 प्लस स्मॉल t2। तो देखो अल्फा डॉट स्मॉल s1 प्लस स्मॉल t1 प्लस बीटा डॉट स्मॉल s2 प्लस स्मॉल t2। ठीक है, अल्फा डॉट x प्लस बीटा डॉट y बराबर अल्फा डॉट s1 प्लस अल्फा डॉट t1 प्लस बीटा डॉट एस टू प्लस बीटा डॉट टी टू। ठीक है, अल्फा डॉट एस वन प्लस बीटा डॉट एस टू को एक साथ देख सकते हो, क्योंकि ये किसके एलिमेंट है, ये एलिमेंट है एस के। ठीक है,
तो आपने एक साथ लिख लिया अल्फा डॉट एस वन प्लस बीटा डॉट एस टू। इसी प्रकार अल्फा डॉट टी वन प्लस बीटा डॉट टी टू को आपने क्या लिख लिया, एक साथ लिख लिया, क्योंकि ये किसके एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है, सिंस ईच स्मॉल एस वन स्मॉल एस टू बिलोंग्स टू एफ एस और ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एवं एवं एस ओवर एफ एवं एस ओवर एफ बी ओवर एफ की बी ओवर एफ की सदिश उपसमष्टि है, बी ओवर एफ की सदिश उपसमष्टि है, तो आप क्या लिख सकते हो, सदिश उपसमष्टि है, तो अतः अतः अल्फा डॉट एस वन प्लस बीटा डॉट एस टू किसमें बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा, या फिर एस ओवर एफ में क्या करेगा, ये इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसमें बिलोंग करेगा, एस ओवर एफ में बिलोंग करेगा। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो, इसी प्रकार आप लिख सकते हो ईच स्मॉल टी वन स्मॉल टी टू बिलोंग्स टू कैपिटल टी ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल एफ एवं टी ओवर एफ क्या है, बी ओवर एफ की सदिश उपसमष्टि है, तो अतः अल्फा डॉट टी वन प्लस बीटा डॉट टी टू किसको बिलोंग करेगा, अगेन टी ओवर एफ को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देखिए देखो भाई, सिंस ईच स्मॉल टी वन स्मॉल टी टू बिलोंग्स टू टी ओवर एफ ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल एफ एवं एवं टी ओवर एफ वी ओवर एफ की सदिश उपसमष्टि है, टी ओवर एफ वी ओवर एफ की सदिश उपसमष्टि है, सदिश उपसमष्टि है, अतः अतः अल्फा डॉट स्मॉल टी वन प्लस बीटा डॉट स्मॉल टी टू बिलोंग्स टू टी ओवर एफ बिलोंग्स टू टी ओवर एफ। दिस इंप्लाइज अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई बराबर अल्फा डॉट एस वन प्लस बीटा डॉट एस टू प्लस अल्फा डॉट टी वन प्लस बीटा डॉट टी टू बिलोंग्स टू एस प्लस टी, ठीक है। दिस इंप्लाइज अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई किसको बिलोंग कर रहा है, एस प्लस टी को बिलोंग कर रहा है, अतः अतः ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू एस प्लस टी ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू एस प्लस टी ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ के लिए अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ के लिए अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई किसको बिलोंग कर रहा है, एस प्लस टी को बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या कह सकते हो कि एस प्लस टी वी ओवर एफ की बी ओवर एफ की क्या है, सदिश उपसमष्टि है, क्या है, सदिश उपसमष्टि है, ठीक है। तो ये आपका एक पार्ट सिद्ध हो चुका, आपका जो एक पार्ट था वो कंप्लीटली सिद्ध हो चुका। कि आपको क्या शो करना था, आपको शो करना था कि एस प्लस टी क्या है, बी ओवर एफ की सदिश उपसमष्टि है। अब आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है सेकेंड थिंग लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी बराबर क्या हो, एस प्लस टी के बराबर, ठीक है। क्या शो करना है कि एस यूनियन टी का जो लीनियर स्पान है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एस प्लस टी को बिलोंग कर रहा है, या फिर आप क्या कह सकते हो कि एस प्लस टी को किसके बराबर शो करना है, एस प्लस टी को बराबर शो करना है इस सेट को, ठीक है। इस सेट में एलिमेंट किस टाइप के हैं, इस सेट में एलिमेंट है एस यूनियन टी टाइप के, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट फिगर आपका,
देखो भाई नेक्स्ट रिजल्ट आपका, आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है कि लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी क्या है, एस प्लस टी के बराबर है। ठीक है, तो देखिए सेकंड, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी बराबर है प्लस टी। आपको क्या शो करना है कि एस यूनियन टी का लीनियर स्पान किसके बराबर है, एस प्लस टी के बराबर है, या फिर इस सेट के एस यूनियन टी जो सेट है आपका, इस सेट के सभी एक घाती संचों का समुच्चय, सभी एक घाती संचों का जो समुच्चय है वो क्या है, वो किसके बराबर है, एक घाती संचों के समुच्चय वो बराबर है एस प्लस टी के। ठीक है, दैट इज एस प्लस टी किसके बराबर है, इस सेट के बराबर है जिसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं, एस यूनियन टी टाइप के एलिमेंट, या फिर एस यूनियन टी के क्या है, इसमें एलिमेंट है। ठीक है, तो देखो आपको क्या दिया गया था, आपको जो दिया गया था कि फाई सॉरी एस और टी क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, जी तो दिया गया था, तो आप क्या शो कर सकते सबसे पहले कि एस प्लस टी क्या होगा, एस प्लस टी वी ओवर एफ का नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। ठीक है, देखिए सिंस फाई डज नॉट इक्वल टू एस सबसेट ऑफ वी, तथा फाई डज नॉट इक्वल टू टी सबसेट ऑफ वी। ठीक है, दिस इंप्लाइज फाई क्या होगा, फाई डज नॉट इक्वल टू एस प्लस टी सबसेट ऑफ वी। कहने का मतलब है कि एस वी का नॉन एम्प्टी सबसेट है, टी वी का नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो इनका लीनियर सम भी क्या होगा, इनका लीनियर सम भी वी का नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। अब इनका लीनियर सम नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का, तो आप क्या कह सकते हो कि कम से कम उसमें कितना एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो देखिए माना स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस, माना, या फिर आप ऐसे कह सकते हो सिंस, या फिर आप सबसे पहले एस का एलिमेंट मानो, माना स्मॉल एस कैपिटल एस का कोई स्वेच्छा अवयव है, कैपिटल एस का कोई स्वेच्छा अवयव है। ठीक है भाई, कैसा अवयव है स्विच, दैट इज ईच स्मॉल एस किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल एस को, किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल एस को। ठीक है, since each small s belongs to capital s, ठीक है, each small s किसको belong कर रहा है, capital s को belong कर रहा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि this implies small s बराबर small s plus 0। ठीक है, small s बराबर small s plus 0, जहां पे ये s तो किसका एलिमेंट है, capital s का, और ये 0 किसका एलिमेंट है, t का एलिमेंट है। ठीक है भाई, ये किसका एलिमेंट है, t का एलिमेंट है, जहां जीरो किसको बिलोंग कर रहा है, जीरो बिलोंग कर रहा है टी को। ठीक है, जहां जीरो किसको बिलोंग कर रहा है, जीरो बिलोंग कर रहा है टी को, जहां जीरो बिलोंग टू टी। ठीक है, इसी प्रकार आप देखो माना स्मॉल टी कैपिटल टी का कोई स्वेच्छा अवयव है, क्या है, कोई स्वेच्छ अवयव है, दैट इज ईच स्मॉल टी किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल टी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो सिंस ईच स्मॉल टी किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल टी को, तो आप क्या लिख सकते हो टी स्मॉल टी को, स्मॉल टी बराबर 0 प्लस स्मॉल टी। ठीक है, ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा एस प्लस टी का, जहां पर जीरो किसका एलिमेंट है, एस का एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे जीरो किसका एलिमेंट है, एस का एलिमेंट है। अब देखो, अब आप एस प्लस टी का क्या मान लो, एस प्लस टी का आप कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट मान लो,
ठीक है। आपको कहने का मतलब है क्या शो करना है, आपको शो करना है कि एस प्लस टी बराबर क्या है इस सेट के, ठीक है। एस प्लस टी किसके बराबर है, एस प्लस टी है इस सेट के बराबर, ठीक है, इस सेट के बराबर है। तो आपको दो सेट इक्वल दिखाना है, दो सेट इक्वल दिखाने हैं तो क्या करना होगा आपको, आपको उनका पहले सेट को तो दूसरे सेट का सबसेट दिखाना होगा और दूसरे सेट को पहले सेट का सबसेट दिखाना होगा, ठीक है भाई। या फिर आप क्या कह सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि जो सेट फर्स्ट का प्रत्येक एलिमेंट है, मतलब लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी का जितने भी एलिमेंट है सेट के अंदर, वो सभी इस सेट के अंदर है। और फिर सेकंड टाइम में क्या शो करना है कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे सारे वो किसके अंदर है, अगेन एल ऑफ एस यूनियन टी के अंदर। कहने मतलब है एक टाइम तो इसको इसका सबसेट शो करना है, फिर एक टाइम इसको इसका सबसेट शो करना है, ठीक है। तो आप देखो एस प्लस टी का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट मान लो, सबसे पहले हम क्या शो करेंगे कि एस प्लस टी किसका सबसेट है, ये सबसेट है इसका। तो सबसे पहले आप एस प्लस टी का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट मान लो, माना स्मॉल एक्स एस प्लस टी का, एक्स प्लस टी का कोई स्वेच्छ अवयव है, एस प्लस टी का कोई स्वेच्छ अवयव है, दैट इज ईच स्मॉल एक्स किसके बराबर है, दैट इज ईच स्मॉल एक्स बराबर स्मॉल एक्स प्लस टी, ठीक है। दैट इज ईच स्मॉल एक्स किसके बराबर, सॉरी दैट इज ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू टी, दैट इज ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स प्लस टी, ठीक है। अब देखो सिंस ईच स्मॉल एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एस प्लस टी को बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या कह सकते हो कि आपको दो एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे, एक तो किसका एस का और एक टी का, ऐसे मिल जाएगा कि आप इस एक्स को उन दो एलिमेंट्स के लीनियर सम के अद्वितीय रूप उन दोनों एलिमेंट्स के योग के अद्वितीय रूप में लिख सकते हो। या फिर आप ये कह सकते हो कि आपको दो एलिमेंट एक तो एस का और एक टी का ऐसा मिल जाएगा कि एक्स को उन अवयवों के अद्वितीय योग के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंस ईच एक्स बिलोंग्स टू एस प्लस टी, देयर एग्जिस्ट स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस, स्मॉल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी, सच डेट एक्स बराबर स्मॉल एस प्लस टी, सच डेट इज एक्स बराबर स्मॉल एस प्लस टी, ठीक है। अब देखो आप स्मॉल एक्स को क्या लिख सकते, सॉरी स्मॉल एक्स बराबर एस प्लस टी है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो वन डॉट एस प्लस वन डॉट टी, ठीक है। क्या लिख सकते हो, वन डॉट एस प्लस वन डॉट टी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो ईच वन है किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है फील्ड को। तो आप देख रहे हो कि एस प्लस टी का आपने कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिया, उसको आपने किसके रूप में शो कर दिया, उसको आपने एस और टी के अवयवों के एस और टी के अवयवों के लीनियर सम के रूप में शो कर दिया, या फिर सॉरी एस और टी के अवयवों के एक घाती संचय के रूप में शो कर दिया, ठीक है भाई। आपने किसके रूप में शो कर दिया, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में शो कर दिया, ठीक है। अब देखो दोबारा से देख लीजिए, आपने इसको कैसे लिखा, आपने स्मॉल एक्स बराबर क्या था एस प्लस टी, आपने इसको कैसे लिखा स्मॉल एक्स बराबर वन डॉट एस प्लस वन डॉट टी, ठीक है, जहां पे ये वन क्या है फील्ड का एलिमेंट है। अब आप देख रहे हो कि आपने एस प्लस टी के एलिमेंट को क्या लिख दिया, एस प्लस टी के एलिमेंट को आपने एस सेट एस और सेट टी के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया, इसके रूप में लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। अब ये जो दो एलिमेंट है एस और टी, ये किसके एलिमेंट है, कैपिटल एस और कैपिटल टी के एलिमेंट है। कहने मतलब है ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, ये दोनों एलिमेंट एस यूनियन टी के हैं। तो आपने क्या किया, इस एक्स को एस यूनियन टी के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में शो कर दिया। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि एक्स बराबर वन डॉट एस प्लस वन डॉट टी किसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी को, ठीक है, किसको बिलोंग करेगा लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी को। जब ये एक्स बराबर वन डॉट एस प्लस वन डॉट टी किसको बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि एक्स किसको बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी को। मतलब आपने एस प्लस टी का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिया, उसको किसके अंदर शो कर दिया, लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी के अंदर। कहने का मतलब है दिस इंप्लाइज एस प्लस टी किसका सबसेट हो गया,
एस प्लस टी सबसेट हो गया लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी का, ठीक है। किसका सबसेट हो गया ये, लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी का। अब शो क्या करना है आपको, अब शो करना है लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी किसके बराबर, किसका सबसेट है, ये सबसेट है एस प्लस टी का। तो देखो आप क्या मान लो, माना 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 स्मॉल एस, माना स्मॉल एस और स्मॉल टी किसके एलिमेंट है, एस यूनियन टी के कोई दो श्वेच अवयव है, एस यूनियन टी के कोई दो श्वेच अवयव है, ठीक है भाई। आपने क्या किया, आपने मान लिया कि एस और टी किसके एलिमेंट है, एस और टी एलिमेंट है एस यूनियन टी के, ठीक है। किसके एलिमेंट है, एस यूनियन टी के एलिमेंट है। अब देखो ये एस किसके एलिमेंट है, ये एस एलिमेंट है किसका, एस यूनियन टी का, ठीक है। सिंस यस देखो दैट इज ईच स्मॉल एस स्मॉल टी बिलोंग टू एस यूनियन टी, ठीक है। दैट इज ईच स्मॉल एस स्मॉल टी बिलोंग टू एस यूनियन टी। अब देखो एस को क्या लिख सकते हो, सिंस एस बराबर क्या हो गया, वन डॉट एस, ठीक है। एस को आप क्या लिख सकते हो, एस को लिख सकते हो एस बराबर वन डॉट एस, ठीक है। अब इसको भी अगेन क्या लिख सकते हो, वन डॉट एस को आप वन डॉट एस को क्या लिख सकते हो, जीरो। भाई एस बराबर तो आपने क्या लिख दिया, एस बराबर तो वन डॉट एस लिख दिया, ठीक है। अब आप इसमें जीरो भी ऐड करके ऐड कर सकते हो, भाई कर सकते हो ना, जीरो जीरो ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे देख लो, अगर ऐसे ना आपकी समझ आए तो देखो आपने मान लिया कि स्मॉल एस क्या है, स्मॉल एस बराबर आपने मान लिया वन डॉट स्मॉल एस, ठीक है मान लिया। अब इसको भी आप क्या लिख सकते हो कि स्मॉल एस बराबर वन डॉट एस प्लस जीरो, ठीक है। इसको क्या मान लिया आपने, जीरो मान लिया। अब देखो कि स्मॉल एस बराबर वन डॉट एस तो हो गया, ठीक है। इस जीरो को आप क्या लिख सकते हो, इस जीरो को आप लिख सकते हो जीरो डॉट स्मॉल टी, क्या लिख सकते हो इसको, जीरो डॉट स्मॉल टी। अब देखो ये किसका एलिमेंट है, अब अगर आप देखते हो तो ये किसका एलिमेंट है, ये एस एलिमेंट है एस यूनियन टी का, ठीक है। एस एलिमेंट है एस यूनियन टी का, और ये एस क्या है, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। एस क्या है, ये एस क्या है, ये एस एलिमेंट तो एस यूनियन टी का है, लेकिन ये एस एलिमेंट साथ के साथ किसका है, ये एस एलिमेंट है लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी का, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार आप ये सिंस आपकी बुक में यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है मामला, तो उसको अगर वो आपके समझ में आते आप इसको भी ऐसे देख सकते हो कि इस प्रकार से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं और इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखो ये जो सेकंड प्रूफ है आपका, ये सेकंड प्रूफ थोड़ा टफ है, समझने की कोशिश करना सिर्फ आपको, आपको दो सेट इक्वल दिखाना है। और आपको पता है कोई भी दो सेट कभी इक्वल होते हैं, जब उनमें अवयवों की संख्या भी समान हो और अवयव भी समान हो। अवयवों की संख्या का तो कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे सिर्फ आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि दोनों सेटों में अवयव क्या है, समान है, ठीक है। तो देखो वहां तो आपने एस के बारे में लिखा, अब आप इधर देखो सिंस स्मॉल टी बराबर क्या लिख सकते हो, वन डॉट स्मॉल टी, ठीक है। इसको अगेन क्या लिख सकते हो, स्मॉल टी बराबर वन डॉट टी प्लस सॉरी जीरो प्लस वन डॉट टी, ठीक है। इस जीरो को भी क्या लिख सकते हो, एस के एलिमेंट के लिए के रूप में जीरो डॉट स्मॉल एस प्लस वन डॉट टी, ठीक है। जहां पे ईच जीरो वन किसको बिलोंग कर रहा है, एस को, ईच जीरो वन किसको बिलोंग कर रहा है, एस को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए ये किसका एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट आपको दिया गया है ये एलिमेंट है लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी का, ठीक है। ये जो एलिमेंट है किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी का, ठीक है। दोबारा से देखिए एस और टी आपने एस यूनियन टी के अवयव माने, एस यूनियन टी में कौन से अवयव होंगे, एस यूनियन टी में जो भी अवयव होंगे वो या तो एस के होंगे या टी के होंगे या फिर दोनों के ही
होंगे, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सा अवयव किसका है, या लेकिन ये बोल सकते हो कि इसमें जो भी अवयव होंगे एस एन एन टी में वो या तो एस के होंगे या पी के होंगे और उस या तो दोनों के ही होंगे। आपने क्या मान लिया, आपने मान लिया कि स्मॉल एस और स्मॉल टी क्या है, एस एन एन टी के कोई दो स्पेशल अवयव है, दैट इज ईच स्मॉल एस स्मॉल टी बिलोंग टू एस एन एन टी। अब आपने देखा कि स्मॉल एस किसका अवयव है, एस एन एन टी का, तो इसी स्मॉल एस को आपने क्या किया, इस स्मॉल एस को आपने एस और टी के अवयव के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में शो कर दिया। ये जो स्मॉल एस है, इस स्मॉल एस को आपने किस प्रकार से एक्सप्रेस कर दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में शो कर दिया। कहने का मतलब है ये जो स्मॉल एस है वो किसका एलिमेंट है, एस यूनियन टी का जो भी एलिमेंट है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये जो एलिमेंट है एस, एस यूनियन टी का है, साथ के साथ ये एलिमेंट स्मॉल एस ये किसका एलिमेंट है, ये लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी का भी एलिमेंट है। इसी प्रकार ये जो टी है, ये टी किसका एलिमेंट है, ये टी एस यूनियन टी का तो है ही, साथ के साथ ये किसका एलिमेंट है, लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी का, क्योंकि आपने स्मॉल टी को क्या किया है, स्मॉल टी को एस और टी के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में शो कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई दो स्वेच्छ अवयव है कि ईच स्मॉल एस स्मॉल टी किसके, एस यूनियन टी के, ठीक है, और ये स्वेच्छ अवयव किसके बन गए, यही स्वेच्छ अवयव बन गए किसके, लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी के। देखो दिस इंप्लाइज ईच स्मॉल एस किसको बिलोंग कर रहा है, ईच स्मॉल एस बराबर वन डॉट स्मॉल एस प्लस जीरो डॉट टी, किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है एस यूनियन टी का, लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी का। इसी प्रकार दिस इंप्लाइज ईच स्मॉल टी बराबर जीरो डॉट स्मॉल एस प्लस वन डॉट स्मॉल टी, किसका एलिमेंट है, लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी का एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो आपने स्मॉल एक्स बराबर क्या लिया, एक्स प्लस टी, स्मॉल एक्स बराबर क्या लिया, एक्स प्लस एस प्लस टी लिया, ठीक है। स्मॉल एक्स बराबर आपने एस प्लस टी लिया है, अब आप इन दोनों का क्या करो, इन दोनों का अगेन लीनियर सम करो, ठीक है। आप क्या कह सकते हो कि सिंस ईच स्मॉल एस स्मॉल टी बिलोंग्स टू लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी, सिंस ईच स्मॉल एस स्मॉल टी बिलोंग्स टू लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी, दिस इंप्लाइज एक्स बराबर स्मॉल एस प्लस स्मॉल टी, ठीक है, दिस इंप्लाइज एक्स बराबर स्मॉल एस प्लस स्मॉल टी, ये किसका एलिमेंट होगा, एक्स प्लस एस प्लस टी का एलिमेंट होगा, किसका एलिमेंट होगा, ये एस प्लस टी का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखो कि आपने लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी का आर्बिट्री अवयव लिया एस, लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी का आपने आर्बिट्री अवयव लिया टी, ठीक है, उन दोनों का रैखिक सम आपने अगेन किस में दिखा दिया, एस प्लस टी में, क्या मतलब, और एस प्लस टी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो क्या कह सकते हो कि दिस इंप्लाइज लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी किसका सबसेट है, ये सबसेट है एस प्लस टी का, किसका सबसेट है, एस प्लस टी का सबसेट है। अब ये इक्वेशन तो होगी आपकी कौन सी, ये जो इक्वेशन तो होगी आपकी इक्वेशन नंबर वन, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से क्या कह सकते हो कि लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी किसके बराबर है, एस प्लस टी के बराबर है, या डेट इज एस प्लस टी बराबर है इस सेट के, ठीक है, जिसमें किसके एलिमेंट है, एस यूनियन टी के एलिमेंट है, और एस यूनियन टी के एलिमेंट को आपने वहां दिखाई दिया कि एस यूनियन टी के एलिमेंट को किस रूप में लिख सकते हो कि एस और टी के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। ये जो आपकी थ्योरम है ये कंप्लीट होती हुई, और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। इसके बाद हम कुछ अन्य जो रिजल्ट्स हैं आपके, कि आपने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा तो लीनियर कॉम्बिनेशंस में भी आप जो भी डेफिनेशन पढ़ोगे वो पढ़ोगे कि कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो क्या होगा कि लीनियर कॉम्बिनेशंस के बारे में बताएगा कि ये लीनियर कॉम्बिनेशंस लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इनडिपेंडेंट है, और फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड जो भी रिजल्ट्स हैं उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती हुई,